पेपर लीक के इनपुट पर आधी रात को डीआईओएस और मजिस्ट्रेट ने की छापेमारी। यूपी बोर्ड की परीक्षा में हो रही गड़बड़ियों को सुधारने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने अब 24 घंटे ड्यूटी देने के लिए अपनी कमर कस ली है। मामला कौशाम्बी का है, जहां देर रात एक इनपुट के मुताबिक सूचना मिली कि सिराथू के उदय श्याम इंटर कॉलेज में सुबह होने वाले पेपर की सील तोड़कर कॉपियां लिखी जा रही हैं। इस बात की खबर जैसे ही जिला विद्यालय निरीक्षक सतेंद्र सिंह को मिली तो फौरन एसडीएम सिराथू और पुलिस के साथ उदय श्याम कॉलेज पहुंच गए। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र बनाए गए सिराथू के इस विद्यालय में जाकर स्टोर में रखे गए प्रश्न पत्रों के बंडल और उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल की जांच पड़ताल की। एक सूचना के मुताबिक उदय श्याम कॉलेज में अगला दिन होने वाले पेपर को लीक किया गया है और जिसको जीरोक्स कर कई कॉपियां लिखी जा रही हैं, उसी के मद्देनजर डीआईओएस सतेंद्र सिंह और एसडीएम राजेश श्रीवास्तव ने कई घंटे तक हर पहलू से सर्च अभियान चलाया। साथ में मौजूद पुलिस ने अधिकारियों और मजिस्ट्रेट का साथ देते हुए खुद भी हर पहलू से पड़ताल की। डीआईओएस ने स्कूल में रखी गई कॉपियों के सभी बंडलों को देखा, साथ में पेपर्स के पैक को भी हाथों में लेकर जांच की। विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी बैक प्ले कर जानकारी ली। पूरी जांच पड़ताल में सिराथू एसडीएम राजेश श्रीवास्तव और पुलिस ने भी अपने तरह से विद्यालय में हुई जांच में डीआईओएस का साथ दिया। पेपर लीक के इनपुट पर डीआईओएस ने फास्ट एक्शन लिया और मौके पर खुद पहुंचे, लेकिन सूचना गलत साबित हुई। फिलहाल डीआईओएस की इस कार्यवाही से जिले के नकल माफियाओं में हड़कंप पैदा हो गया। जिम्मेदार अधिकारियों की देर रात तक सक्रियता को देखकर लोगों की माने तो कौशाम्बी में इस तरह की जांच पड़ताल हुई तो नकल का कलंक मिट जाएगा। मौके पर पहुंचे विद्यालय के लोगों को नकल विहीन परीक्षा कराने की नसीहत भी दी। जो है कुछ कॉपियों में टेंपरिंग वगैरह की, प्रश्न पत्र में टेंपरिंग वगैरह की गई है और प्रश्न पत्र आउट करने का प्रयास किया जा रहा है। उस पर जो है अधिकारी सिराथू और उसको आने की फोर्स लेकर हमें जाँच करने आए थे और जाँच में यहाँ सब कुछ सही पाया गया और आगे भी हम लोग इस तरह से जो है अगर जहाँ संख्या होती है या जैसे समीप पाया जाता है तो हम आगे भी इस तरह छापेमारी अभी केंद्र पर करेंगे।